उनके कहे को मैं टाल नहीं सकता, इसलिए मुझे आप लोगों के पास आना पड़ा। आई हैव टू कम। तो सर आप फुल टाइम प्रोड्यूसर ही बन गए? व्हाट डू यू मीन बाय बन गए? शुरू से है। सॉरी सर, मेरा मतलब था कि आप प्रोडक्शन भी करते हैं। मुझे भी लगता है कि आप लोग बहुत नए हैं, रिसर्च नहीं की मेरे बारे में ठीक तरीके से। ये तो बहरोज भाई हैं जिनकी वजह से मुझे यहां पे आना पड़ा। इवन देन लेट्स मेक इट शॉर्ट। आप नहीं बोलती हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाई डोंट यू मेक अ फिल्म ऑन फैशन? या फैशन क्या मतलब? समथिंग लाइक डेविल वेयर्स प्रादा और फैशन इटसेल्फ। मैं ऐसे कचरा कंटेंट नहीं बनाता। अच्छा तो आप क्या बनाते हैं? मारे थे। अभी तो आपने कहा कि फैशन पे नहीं बना सकते, तो फिर एनीथिंग तो नहीं ना हुआ? हमेशा से अच्छे कंटेंट बनाए हैं और बनाते आ रहे हैं, बहुत बेशुमार बनाए। सर एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर समथिंग अनकन्वेंशनल। कहते सब यही है लेकिन बनाते क्या है? यही सास वो वाला कंटेंट। टीआरपी भी अच्छी मिलती है बहुत ज्यादा। आप लोगों ने मेरा वो ड्रामा देखा था जिंदगी अजीरन, सुपर डुपर हिट, सड़कें खाली हो जाती थी बिल्कुल। क्यों सर, ड्रामे की वजह से हड़ताल वड़ताल हो जाती है क्या? आप कौन है? पार्टनर हूं सर। पार्टनर? ओके हियर वी गो, दीज आर माय टर्म्स। 100% एडवांस, उसके बाद स्क्रिप्ट मिलेगा। फुल पेमेंट के बाद स्क्रिप्ट मिलेगी? मैंने भी क्या कहा है? और अगर हमें स्क्रिप्ट अच्छा ना लगा तो? इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। आपका मसला है ये। क्या मतलब? आप जैसे लोग हम जैसे लोगों से कंटेंट इसलिए बनवाते हैं कि कंटेंट इज द किंग एंड आई एम द किंग ऑफ द कंटेंट। आई मेड अ मिस्टेक। बहरोज भाई ने अगर मुझसे ना कहा होता तो मैं मर के भी यहां ना आता। चलो डॉलिंग, लेट्स मूव। यार मैं इस तरह के लोगों से मीटिंग ना सेट करी। इसमें इतना एटीट्यूड है, कोई सुपरस्टार है जैसे। I am the king. तो ए डॉली आगे से ऐसी मीटिंग ना सेट करी। कैसा नाम? टाइम वेस्ट, ऑनेस्टली मैन, टाइम वेस्ट। I can't. Crazy day. With crazy people? पहले वाला इतना भी बुरा नहीं था। Honest हूँ, मुझे ऐसे लोग पसंद है। हम सब तुमसे एक बात पूछो, माइंड तो नहीं करोगे? किरण के बारे में बोल। यार देखो, स्टार्ट में हमारे पास थे हामिद जैसे इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमें इनकी जरूरत थी, because we had nothing. लेकिन अब हमारे पास पैसे हैं कि हम ट्यूबलाइट को खुद खड़ा कर सकें। पहला साल क्या शायद दूसरा भी निकाल है। हमें किरण और इसके डैड की जरूरत नहीं है। या फिर ऐसी कोई बात है जो मैं नहीं समझ पा रही? तुम कहना क्या चाह रहे? आई थिंक शी लाइक्स हिम। क्या बात कर रही हो यार? आई गेस। लेकिन मेरा सवाल ये है कि डू यू ऑल्सो लाइक हिम? यार कमाल लोग हैं इन एक्टर्स ने, तो हद ही कर दी। दुनिया ऐसी है, सबको लगता है कि वो सही है, लेकिन ये क्या चीज थी और अपने साथ वो क्या नमूना लाया था?
मुझे तो लगता है लोग हमें भी यही कहते होंगे जब हम लोग हर वक्त ट्यूबलाइट करते रहते हैं। Yeah, but हमारे पास लॉजिक है ना, we're looking for investors and content creators. तुम बताओ कैसी हो? बड़ी जल्दी पूछ लिया। मुझे पता है यार तुम्हारे बड़े मसले चल रहे हैं उस हामिद को लेके, और तुम्हारे अम्मा बाबा भी कहते होंगे सब कुछ होते हुए इतनी खौरियां कर रही है। मुझे स्कूल डेज से आदत है, सब तब भी यही बोलते थे कि अमीर है, 12 बजे उठती होगी, ड्राइवर छोड़कर जाता है, ड्राइवर लेकर जाता है, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती है एंड व्हाट नॉट। इसमें जज किया, सही तो कह रहे हैं। हाँ, तुम भी मजाक उड़ा लो। अच्छा बोलो। इट्स जस्ट दैट पहली दफा खुद कुछ करने का मौका मिला है और हर बार गड़बड़ हो जा रही। देखो ट्यूबलाइट दोबारा स्टार्ट हुआ है और इस बार कुछ नहीं होने देंगे। तुमने किरण को देखा नहीं था आज? वो एक नया मसला लग रहा है मुझे। यार हमजा कर लेगा हैंडल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो हमजा को हैंडल कर रही है। I mean, she was acting like we're her employees. बात करते हैं हमजा से, देखते हैं। इस वक्त तो हमजा अपनी बातों में लगा हुआ है। I'm pretty sure इन दोनों का कोई सीन चल रहा है। क्या पता वो भी यही सोच रहे हो कि हमारा कोई सीन है। What? How silly. क्यों? हमारा कोई सीन नहीं हो सकता, मतलब हम कपल नहीं बन सकते। जाहिर है तुम अमीर मैं गरीब, कैसे होगा सब? Shut up, it's not that. तुम्हें पता है मैं ऐसे नहीं सोचती। It's just that we're friends. देख लो तुम्हारी मर्जी है, जब ये जवान लौंडा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा तो बाद में रोना नहीं। Crazy person. कोई बात नहीं, मैं इंस्टिंक्ट से कभी गलत नहीं कहती। देखो तुम्हारे इंस्टिंक्ट इस दफा गलत है। आई एम जस्ट ऑब्लाइज्ड कि जब मुझे जरूरत थी तो किरण ने मुझे जॉब दी। किरण के डैड ने किरण से ऊपर मेरी बात सुनी और मुझे बहुत इनकरेज भी किया, और जब मैंने उन पे ये बॉम्ब फोड़ा कि ट्यूबलाइट फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो बात भी समझ गए, मुझे जाने भी दी और इन्वेस्टमेंट भी कर दी। किसके बदले में इतनी काइंडनेस शो करना तो बनता है ना, और वैसे भी कोई और इन्वेस्टर होता तो 100% इनसे ज्यादा अनरीजनेबल होता।